अगर हम किसी एनपीसी को ट्रेन ट्रैक्स पर बांध दे तो ट्रेन उसके लिए रुक जाएगी। वेल, ऐसा कुछ भी होता है क्या? मुझे नहीं लगता कि इतने पुराने जमाने में ब्रेक्स इतने अच्छे होंगे। लेकिन चलो, मेरी जान तो जाएगी नहीं। यहाँ पर मैंने एक एनपीसी को स्पॉन कर लिया है और इसे बांधने के बाद मैं ट्रेन की आवाज सुन सकता हूँ, तो मुझे जल्दी से करना पड़ेगा सब कुछ। भाई, ट्रेन पास आते जा रही है और इसे मैंने अभी तक उठाया भी नहीं है, तो जल्दी से उठाते हैं। और ये मैंने फेंक दिया। ओ भाई, अभी तो मैं ही ट्रेन के नीचे आ गया होता, ये तो बहुत ही रिस्की था। और अगर हम एनपीसी को देखें तो इसका सर, पैर, हाथ सब कुछ गायब हो चुका है। तो इस बार तो मैंने काफी जल्दबाजी में एनपीसी को फेंका था, तो इसे एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि ट्रेन रुकती है या फिर नहीं। तो फिर से हैं हम सेम ट्रैक में और मैंने इस एनपीसी को बांध लिया है और अब बारी है ट्रेन की। तो 3, 2 and 1, और भाई इस बार भी ट्रेन नहीं रुकी। मुझे नहीं लगता कि इस गेम में ट्रेन एनपीसीज के लिए रुकती है। मिथ बस्टेड। एंड ये तो फर्स्ट मिथ था, ऐसे 14 मिथ्स और बाकी हैं। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। क्या आपने स्ट्रे शॉट गेम के बारे में सुना है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। स्ट्रे शॉट एक थर्ड पर्सन मल्टीप्लेयर शूटर गेम है, फॉर्मली नोन एज 0x बैटल ग्राउंड, जिसमें आप एक बाउंटी हंटर हो और आपको अपने राइवल्स को डिफीट करना है डिफरेंट गेम मोड्स में। स्ट्रे शॉट में ऐसे गेम मोड्स हैं जो कि शायद आपको दूसरे गेम्स में ना मिले। अगर इसके ग्राफिक्स की बात की जाए तो ये AAA क्वालिटी के हैं। रिसेंटली मैंने स्ट्रे शॉट गेम को फ्री में ट्राई किया था इनके बीटा सेशंस में, एंड भाई यहाँ पे जो प्लेयर्स थे इन लोगों ने मुझे बुरी तरह हरा दिया। वेल, स्ट्रे शॉट गेम का क्रेज काफी ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि आपने इसके बारे में कैसे नहीं सुना, लेकिन अगर मैं सितंबर की ही बात करूँ तो इनके बीटा सेशन को ऑलमोस्ट 7000 लोगों ने ज्वाइन किया था। तो आप समझ सकते हो कि इस गेम का क्रेज कितना ज्यादा होगा। एंड हाँ, ये दूसरे गेम्स की तरह पे टू विन गेम नहीं है। हाँ, इसके अंदर इन गेम परचेजेस तो होंगे, लेकिन वो पे टू विन नहीं होने वाले। गेम का फुल रिलीज ईयर एंड तक होगा, जब दूसरे गेम मोड्स एंड मैप भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन आप इस गेम को अभी भी खेल सकते हो। वीकली इनके बीटा सेशंस होते हैं जिनमें आप दूसरे प्लेयर्स के साथ मैचेस में एंटर कर पाओगे। तो अब देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में जाओ और स्ट्रे शॉट गेम को डाउनलोड करो और मुझे भी बताओ कि आपको ये गेम कैसा लगा। 31 अक्टूबर को गेम के अंदर हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए वेदर काफी डरावना हो जाएगा। वेल गाइस, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 31 अक्टूबर ही है, और जैसे ही मैंने सिंगल प्लेयर को लोड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर कितना डरावना हो चुका है। यहाँ पे बारिश हो रही है और पूरा गेम हैलोवीन थीम्ड ही लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ कैंडल्स भी हैं जो कि प्रॉपर हैलोवीन वाली फीलिंग दे रहे हैं। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। अगर हम दो ट्रेन्स को आमने सामने लेकर आ जाएं तो दोनों ही ट्रेन्स ब्लास्ट हो जाएंगे। वेल, आरटीआर 2 एटलीस्ट जीटी 5 जैसा नहीं है जिसमें ट्रेन्स को डिस्ट्रॉय ही नहीं किया जा सकता। इसमें ट्रेन्स तो डिस्ट्रॉय होते हैं, लेकिन मैंने कभी भी दो ट्रेन्स को आपस में टकरा कर तो नहीं देखा। तो यहाँ पे मैं रैम्पेज ट्रेनर का यूज कर रहा हूँ ट्रेन्स को स्पॉन करने के लिए, और अभी एक ट्रेन सामने जा रही है। तो कुछ दूर और चलते हैं और आई थिंक यहाँ पे दूसरी ट्रेन को स्पॉन करना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे भी ट्रेन स्पॉन हो गई और पीछे से भी एक ट्रेन आ रही है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। ओके, तो मुझे ब्रेक की आवाज आ रही है, और भाई ये क्या, यहाँ पे तो दोनों ही ट्रेन स्टॉप हो गए। तो इनमें से कोई भी ट्रेन डिस्ट्रॉय नहीं हुई, जिसका मतलब है ये मिथ बस्टेड है। अगर हम एलिगेटर के सामने जाकर खड़े हो जाए और मूव ना करें तो वो हमें नहीं मारेगा। भाई, मुझे लगता है जिसने भी मुझे ये मिथ भेजा है ना, उसने डिस्कवरी चैनल या फिर नेट जियो नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल मौत के मुंह में जाने जैसा हुआ। लेकिन फिर भी ये गेम है तो इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। फिलहाल मैं हूँ स्वॉर्म वाले एरिया में और यहाँ पे मैं बोट लेकर दूसरी साइड पर जाता हूँ जहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं। और अभी हम इसके सामने थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लेकिन भाई इसने क्या ही मारा मुझे। भाई साहब, मिथ बस्टेड। अगर आपके ऊपर वांटेड लेवल आ जाए और आप झाड़ियों में छुप जाओ तो आपको पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाएंगे। वेल, इसे टेस्ट करने के लिए हम आ चुके हैं वैलेंटाइन में और मैंने एक क्राइम को भी कमिट कर दिया है, जिससे अब पुलिस वाले मुझे ढूंढने के लिए आते ही होंगे। मेरे ऊपर $15 की बाउंटी लगी है और ये बंदा मेरे सामने से चला गया और इसने मुझे देखा तक नहीं। इसके बाद 5 लोग और आए और इन्होंने भी मुझे नहीं देखा। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, इनके सामने बैठा हूँ मैं। 6 बंदा आया जो कि गन लेकर टेंट के पास ढूंढ रहा है मुझे, लेकिन इसे भी मैं नहीं दिखा। और अब तो सारे के सारे वापस भी चले गए। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। अगर आप कैंप में जाकर मॉड मेन्यू का यूज करके सारे गन्स ले लेते हो तो आप जैक को भी मार सकते हो। ओके, अगर जैक को मारा जा सकता है फिर तो मुझे इसे ब्लर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली वीडियोस में क्या हुआ था वो आपने देख ही लिया होगा। वेल, हम आ चुके हैं कैंप में और यहाँ पे मैंने मॉड मेन्यू का यूज करके सारे वेपन्स को ले लिया है। और आप देख भी सकते हो, अगर मैं जैक के पास जाने की कोशिश करता हूँ तो ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं जाता। भाई, ये इससे 1 मीटर की दूरी बनाकर चलता है, और भाई ये नीचे बैठकर लकड़ी से क्या गेम खेल रहा है। वेल, अगर देखा जाए तो मैंने सारे वेपन्स ले तो लिए, लेकिन मैं वेपन्स को ड्रॉ नहीं कर पा रहा और ना ही मैं जैक को मार सकता हूँ। तो ये मिथ बस्टर्ड है। गेम में कैट्स भी स्विम कर सकते हैं। वेल, आरडीआर के पिछले मिथ बस्टर्स वीडियो में हमने
हमने देखा था कि हॉर्सेस स्विम कर सकते हैं, लेकिन कैट्स क्या वो स्विम कर पाएंगे? वेल, इसे टेस्ट करने के लिए मैं आ चुका हूँ लेक डॉन जूलियो में, और अगर मैं कैट को स्पॉन करता हूँ तो भाई ये सच में तैर रही है। मिथ कंफर्म। अगर मैं बोट पर बैठकर किसी दूसरे बोट के पास जाऊँ और उस पर डायनामाइट फेंकूं तो उस एनपीसी की बोट पानी में डूब जाएगी। वेल, अभी हम आ चुके हैं इस बड़े से लेक में और मेरे सामने एक एनपीसी भी है जिसके पास बोट है। भाई, मुझे चप्पू चलाना पड़ रहा है और उसके पास बढ़िया मोटर वाली बोट है। लगता है मुझे भी गेम में ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। वेल, ये गया पहला डायनामाइट और इससे एनपीसी की डेथ हो गई। ये गया दूसरा डायनामाइट और इससे भी बोट को फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। ये रहा थर्ड डायनामाइट और ऐसे करते करते मैंने काफी सारे डायनामाइट्स फेंक तो दिए, लेकिन भाई ये बोट डूबती ही नहीं है। मिथ बस्टेड। अब हमने कैट्स का तो देख लिया, लेकिन क्या गेम में लैब्राडोर स्विम कर सकता है? वेल, फिर से हम सेम लेक में आ चुके हैं और यहाँ पर मेरी कैट स्विम कर ही रही होगी, लेकिन अब बारी है कि हम यहाँ पर लैब्राडोर को स्पॉन करें। तो इसे स्पॉन करने के बाद भाई ये पता नहीं क्या ही कर रहा था, तो मुझे गन से शूट करना पड़ा जिससे कि ये डर जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये परफेक्टली स्विम कर पा रहे हैं, जिसका मतलब है ये मिथ कंफर्म्ड है। भाई बताओ, आरटीआर में सारे एनिमल्स स्विम कर पाते हैं, लेकिन जीटीए वाई सिटी में टॉमी नहीं कर पाता। अगर आप ट्रेन ट्रैक्स में हॉट एयर बलून लेकर बैठ जाते हो तो ट्रेन आने पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा और आपकी जान बच जाएगी। वेल, अभी हमने देखा था कि उस एनपीसी के साथ क्या हुआ था, लेकिन देखते हैं शायद ये काम कर जाए। तो अभी मैं हूँ हॉट एयर बलून में और मेरे पीछे ट्रेन आ ही रही है। तो 3, 2, 1। ओ भाई, यहाँ पे तो मेरी डेथ सच में नहीं हुई। मिथ कंफर्म। जहाँ पे ट्रेन ट्रैक्स एंड होते हैं, अगर आप वहाँ पे ट्रेन चलाओगे तो हमारी ट्रेन उससे भी आगे चली जाएगी और बिना ट्रैक्स के जंगलों में चलेगी। अच्छा, तो ऐसा भी होता है क्या? चलो फिर इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर ट्रेन ट्रैक्स एंड होते हैं और यहाँ पर मैंने ट्रेन को भी स्पॉन कर लिया था। तो इसे चलाकर देखते हैं कि आगे जाकर हमारी ट्रेन रुकती है या फिर जंगलों में चलती है, वो भी बिना ट्रैक्स के। और भाई एक बार देखो इस गेम को, ये कितना ज्यादा सुंदर लगता है। यहाँ पर बगल में फूल है और मेरे साथ मेरा घोड़ा भी दौड़ रहा है। अगर पेट्स हो तो भाई इतने लॉयल हो, वरना ना हो। तो बातों ही बातों में ट्रेन ट्रैक्स का एंड आ चुका है एंड 3, 2, 1 और भाई हम जंगलों में आ चुके हैं, वो भी बिना ट्रेन ट्रैक्स के। ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, ये मिथ तो कंफर्म्ड है। अगर आप अर्ली गेम इस लोकेशन पर आओगे तो आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो कि ट्रेन ट्रैक्स बना रहे हैं, लेकिन गेम के एंड तक ये ट्रेन ट्रैक बनकर कंप्लीट हो जाता है। वेल, अभी मैंने न्यू गेम स्टार्ट किया था और कुछ मिशंस को कंप्लीट करने के बाद मैं इस लोकेशन पर आया और यहाँ पे भाई सच में लोग ट्रेन ट्रैक्स को बना रहे हैं। आप देख भी सकते हो ये कितना रियल है। ये जो वर्कर्स हैं, ये बोल्ट को अंदर की तरह पुश कर रहे हैं हैमर से, जो कि क्लियरली अंदर जाते हुए दिख भी रहा है। भाई क्या ही डिटेलिंग है इस गेम में। वेल, ये तो था अर्ली गेम, लेकिन गेम के एंड तक अगर मैं इस लोकेशन पर आता हूँ तो भाई यहाँ पे सच में ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। तो ये मिथ कंफर्म्ड है। गेम में अगर आप किसी वैगन के टायर को शूट करोगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वेल, मेरे सामने यहाँ पर एक वैगन है और इसे मैं अपने बड़े वाले गन से शूट करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई तूने बड़ी गन यूज नहीं की, इसलिए एनपीसीज नहीं मरे थे। तो देखते हैं ये काम करता है या फिर नहीं। तो ये रहा पहला शॉट, दूसरा शॉट, और भाई इसके व्हील्स तो नहीं टूट रहे, लेकिन डायनामाइट से इसे थोड़ा जा सकता है। तो ये मिथ बस्टेड। गेम में हमारे हॉर्स के बॉल्स कोल्ड रीजन में जाने से श्रिंक हो जाते हैं। ओके, तो काफी वियर्ड मिथ है ये, लेकिन चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने फोटो मोड में जाकर अपने हॉर्स के बॉल्स को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये दिख क्यों नहीं रहा है। और कुछ मिनट्स के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरी हॉर्स तो फीमेल है। भाई क्या ही बुद्धू इंसान हूं मैं। लेकिन हाँ, मैंने अभी कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखा जिनके फुटेजेस भी मैं लगा दूंगा यहाँ पर। तो हाँ, ये मिथ तो कंफर्म्ड है। अगर आप थंडरस्टॉर्म में किसी ऊंचे लोकेशन पर चले जाओ तो आपके ऊपर बिजली भी गिर सकती है। ओके, तो इसे टेस्ट करने के लिए मैंने वेदर को चेंज कर दिया है थंडरस्टॉर्म में और अब हमें करना है बस वेट। तो हाँ, मेरे ऊपर तो बिजली सच में गिर गई, ये मिथ भी कंफर्म्ड है। तो गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो हाँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।